बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकमर कद्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद तल्कुर्दील कदीम। अज़ीज़ो, मैंने अभी आपकी खिदमत में सूरह यासीन की आयत नंबर 39 तिलावत की है, जिसका तर्जमा है, और हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर की हैं। हत्ता आद कर उजूल कदीम, हत्ता के वो हो घटते घटते खज्जी की सूखी हुई पुरानी शाख की तरह टेढ़ा हो जाता है। तो तजर्बे में से साबित हुआ है कि चांद जो है आखिरी तारीखों में बाकी टेढ़ा हो जाता है। वो 27 तारीख तक मौसम सरमा गर्मा में फजूर के वक्त खिला में रहता है, जो पूरी दुनिया में से नजर आता है, लेकिन 28 तारीख को चांद जो है वो 29-30 तारीख का फैसला देता है। तो मेरे अजीजो, अब ये जो चांद है रजुब का, वो हो गया 29 का, इसीलिए कल 27 तारीख को सुबह तक तो खिला में रहेगा, पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन परसों 28 तारीख को ये कवर में बंद हो जाएगा। 28-29 ये दोनों तरह बंद रहेगा। उसके बाद पहली शोबान का चांद जो है वो होगा 13 जुलाई मंगल को, और मंगल की रात जो है 7:30 बजे ये चांद जो है अरबुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और अफगान पाक सरहद तक निशाना दिखाई देगा। अब ये 29 तारीख के चांद होने की वजह से चांद नीचे हो गया है, इसीलिए ये कराची, कोटा और पेशावर, इसमें इसका नजर आना मुश्किल है। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट को गुजारिश है कि आप वहाँ देखने जहमत न करें, आप जो अफगान पाक सरहद पर देखने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह वहाँ उम्मीद का नजर आ जाएगा। वैसे अफगानिस्तान और ईरान अरबुस्तान वैसे नजर आएगा, जिसका रेडियो रियाद, तहरान और काबुल स्टेशन ऐलान कर देंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि रुअत का चेयरमैन जो है न हदीस का मतलब समझता है, न फलकियात में जाता है, इसीलिए ये जो है 29 तारीख का चांद उसकी तारीख जो है ये सही नहीं बताता, दूसरी तारीख के चांद को बताता है पहली का, ये गलत है, इसीलिए इसको आप हटाएं। वजारत महदूबी उमूर की तरफ से एक कमेटी हम कायम करें जो कि अफगान पाक सरहद पर चांद देंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में चांद जो नज़र आता है जनूबी एशिया में, वो नज़र आता है मौसम सरमा गर्मा में सऊदी अरब, जहाँ इसके मरकज है नज़र आ, इसीलिए चांद कमेटी चीन से लेके कुवैत तक बनाना फजूल है, क्योंकि मुस्तकिल चांद जो है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान नज़र नहीं आता। मुस्तकिल जो चांद नज़र आता है वो सिर्फ सऊदी में नज़र आता है, जहाँ उसके नज़र आने का मरकज है। तो उसी लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान मौसम गर्मा सरमा में रेडियो रियाद के ऐलान पर ऐलान करना चाहिए, ताकि हम मुसलमान से सरमा गर्मा मौसम में पहली तारीख चांद की जाय ना हो। बहरहाल फिर भी मौसम गर्मा में चांद जो है ये इंशाल्लाह अफगान पाक सरहद पर नजर आ जाए। अच्छा, इसके बाद रमजान शरीफ का चांद अगर हुआ 30 तारीख का, तो 12 तारीख जो होगा इसका इंशाल्लाह ताला उसी में ये चांद जो है आप इंशाल्लाह हो जाएगा इसका, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो है 11 तारीख अंग्रेज को होगा, और वो जो है चांद इंशाल्लाह ताला इसका जो है पाकिस्तान में फिर जो है 11 को ईद होगी, या रोज़ा होगा, या 12 को। ये फैसला चांद पर हम छोड़ते हैं, क्या वो फैसला देता है 29 का होता है या 30, वो बात का मसाला है, लेकिन अब मसाला जो है पहली शोबान का है। वो पहली शोबान जो है अरबुस्तान से लेकर अफगानिस्तान पाक सरहद चांद नजर आ जाएगा। आप देखने की कोशिश करें, अफगान पाक सरहद देखने करें, कराची कोटा में देखने का फजूल है, क्यों वहाँ नजर नहीं आएगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि आप रेडियो रियाद तहरान काबुल स्टेशन का ऐलान भी इस्लामाबाद ऐलान कर दें, ताकि कौम से पहली शोबान 13 जुलाई मंगल जाए ना हो। शुक्रिया।